कल तक जो गांव हंसी खुशी के माहौल में था, जहां पर लोग चहकते थे, बात करते थे, आज वो गांव सुनसान पड़ा हुआ है। क्यों है सुनसान, क्या है पीछे की वजह, एक तस्वीर दिखाना चाहेंगे आपको कि लोग सामने दिख तो रहे हैं पर सबके चेहरे मुरझाए हुए हैं। ये गांव है छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले के रेंगाखार का लोहारी गुड़ा। इस गांव में आज से कुछ दिन पहले एक भयंकर वारदात हुई। वारदात क्या है, एक डेड बॉडी मिली और उस डेड बॉडी में हत्या के शक में किसी दूसरे व्यक्ति का घर फूंक दिया गया। क्या है पूरा मामला, पहले आपको वो घर दिखाते हैं जहां पर इस वारदात को अंजाम दिया गया। आप देख सकते हैं कि यहां पर अभी भी पुलिस फोर्स जो है वो तैनात है। किस तरीके से गांव में सुरक्षा का माहौल बनाया गया है और आखिर ये क्या मामला था कि लड़ाई इतनी बढ़ गई कि एक हत्या के शक में किसी दूसरे का घर फूंक दिया गया और वहां पर जितने लोग थे सबको जिंदा जला देने की कोशिश की गई। उसके बाद इस गांव के साथ भी बहुत कुछ हुआ, तो चलिए पहले आपको दिखाते हैं यहां का घर और एक कोशिश करते हैं कि आपको उस दिन की घटना बता सकें और बता सकें कि आज यहां की क्या स्थिति है और क्यों हुआ, क्या हुआ, कैसे। तो ये घर है रघुनाथ साहू का घर है, जिनको जलाकर मार दिया गया। आप देख सकते हैं ये रघुनाथ साहू की फ़ोटो यहाँ पर जो है वो टंगी हुई है। घर के हालात आप देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर अग्निकांड को जो है वो अंजाम दिया गया है। और ये किसी एक व्यक्ति के द्वारा नहीं किया गया है, वरन ये पूरे गांव के लोग जो हैं वो मिलकर उन्होंने इस घटना को अंजाम दिया है, ये यहाँ पर लोगों का कहना है। तो ये रेंगाखार कवर्धा जिले का एक गाँव है। आप देख सकते हैं कि कुछ घर का जो पोर्शन है वो पुराना है, मिट्टी वाला है। यहाँ पर इस पूरी घटना को जो है वो अंजाम दिया गया था, कितनी बर्बरता जो है वो यहाँ पर की गई है। क्यों आखिर इन दोनों साहू परिवारों के बीच में, कचरू साहू जिनकी पहले डेड बॉडी मिली और उसके बाद फिर रघुनाथ साहू और उनके परिवार को किस तरीके से जलाकर मार देने की कोशिश जो है वो की गई, आज भी इन घरों से धुआं निकल रहा है, जलने की जो स्मेल है वो आज भी यहाँ पर बनी हुई है। परिवार में 3 लोगों को बचाने की कोशिश जो है वो पुलिस के द्वारा की गई, जो अभी फिलहाल हॉस्पिटल में है और इलाज करा रहे हैं, पर रघुनाथ साहू को बचाया नहीं गया, वो बच नहीं पाए। अग्निकांड इतना भयंकर था, चौखट वाले ये पुराने घर है जहाँ पे पठौहा जो छत्तीसगढ़ी का एक शब्द है वो है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी भी धुआं जो है वो निकल रहा है। तो ये एक भयंकर अग्निकांड हत्या का मामला छत्तीसगढ़ के कवर्धा जिले का है, जहाँ पर अभी कुछ रिश्तेदार भी इनके मौजूद हैं। हम उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि क्या था पूरा मामला, क्यों रघुनाथ साहू को इस तरीके से जलाकर मार दिया गया और उसके बाद फिर इस गांव से क्या हुआ, इस गांव में क्या हुआ, गांव के लोगों के साथ क्या हुआ, वो भी हम बताने की कोशिश करेंगे। यहां पर रघुनाथ साहू जी की जो बहन है वो है, उनसे बात करते हैं कि 2 बच्चे उस वक्त इस घर में थे और एक उनकी वाइफ थी, पत्नी और दोनों बच्चों को पुलिस ने हॉस्पिटलाइज्ड कराया है, उनका इलाज भी जारी है। पर बात करते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि दोनों परिवारों के बीच में आखिर ऐसा क्या हुआ था जिसकी वजह से ये सब हुआ। का हो रही वो दिन, मैं वो दिन नहीं पहुंच पा रहे हैं, बताई सो उसू से बातचीत नहीं करे। 2 साल हो गई से अपन घर से बाहर नहीं जात रही से, रघुनाथ साहू अपना खेती खार अपना घर संभालत रही से। वो दिन आई खेत से और नहा खा के आराम करके खड़े रही से अपन अंगना में, तो सब गांव भर के आइन झुंड होके और मारे पीटे के चालू कर दीन, ओखर बहू ल मारिन, ओखर स्त्री ल मारिन, बच्चा मन ला मारे कोशिश करीन। तो फिर भैया ला कैसे मारते कहा देखीस, तो ओला मारे मारिन आगे जला के, जेन में पत्थर से मारे हैं, लोहा से मारे हैं, सब से मारे पीट के, ओला आगे में पेट्रोल छींच के गैस फोड़ के ओला मारे हैं। तो गांव भर के आदमी मन हा रघुनाथ साहू ऊपर काबर पीछे पड़े रिस काबर बोला, वही मन जान ही काबर पीछे पड़ी तेन ला, ओहा कुछ से बातचीत नहीं करे, कुछ से निर्दोष रही से, कुछ से बातचीत नहीं करे, कुछ से हरी से, सब से हिल मिल के राहत रही से, सब से एकदम प्रेम भाव से राहत रही से। तो 2 साल पहले से घर से नहीं निकलत रही से, तेकर पीछे का कारण रही से? अब वो कारण ला वही मन जान ही मरैया मन हा, वो कुछ कारण नहीं रही से, कुछ गलती नहीं रही से ओखर पास न, कुछ नहीं, बिना कारण के अपराध लगा के मारे हैं ओला। तो
ये है रघुनाथ साहू जी की बहन जो कह रही हैं कि बिना किसी कारण के उनके भाई की हत्या जो है वो की गई है। लेकिन दूसरा पहलू एक ये भी है कि पूरे गांव के लोग जो हैं वो यहाँ पर झुंड बनाकर आए थे ये कहना है। उसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए यहाँ पे जितने भी ग्रामीण थे उनको भी अरेस्ट किया गया है। 700 लोगों की आबादी वाला ये गाँव है जहाँ पर लगभग बताया जा रहा है कि 250 से ज़्यादा लोगों को अरेस्ट किया गया है और बहुत से लोग जो हैं वो अभी लापता हैं। इसके बाद ये भी खबर निकल कर आई कि जिन लोगों को अरेस्ट किया गया है उनको बहुत बेरहमी से मारा गया है पुलिस कस्टडी में, जिसको लेकर एसपी तक का ट्रांसफर हो गया। जो प्रशिक्षु डीएसपी थे उनके ऊपर भी कार्रवाई की गई। मौजूदा हालात में उस वक्त यहाँ पर टीआई थे जिन्होंने कार्रवाई को नियंत्रित करने की कोशिश की, पर यह कुछ होता नहीं दिखा। लेकिन बच्चे क्या, बूढ़े क्या, महिला क्या, पुरुष क्या, पुलिस की जो उस दिन की स्थिति थी उसके कुछ वीडियो भी हम आपको इस एपिसोड में दिखा रहे हैं। चलिए आपको दिखाते हैं कि गांव के जो हालात हैं वो अब क्या कह रहे हैं। हालांकि इसके बाद नेताओं के आने का सिलसिला जो है वो इस गांव में, इस घर में बना हुआ है, जहां पर लोग अपनी बर्बरता जो है उनके साथ हुई वो दिखा रहे हैं, किस तरीके से पुलिस कस्टडी में पिटाई हुई वो दिखा रहे हैं। तो वहीं पर इस घर में सुरक्षा के इंतज़ाम अभी भी बने हुए हैं। परिवार कहाँ हैं, जो लोग यहाँ से निकल कर कहीं जा चुके हैं, जो जिनकी कोई काउंटिंग नहीं हो पा रही है वो कौन लोग हैं वो भी अभी तक पता नहीं चला है। पर फिलहाल गांव की स्थिति खासी खराब दिख रही है। ये सिर्फ मामला दो परिवारों के बीच अब सिमट कर नहीं रह गया है, वरन एक परिवार एक तरफ और दूसरा पूरा गाँव एक तरफ। लेकिन अभी तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि आखिर क्या वो वजह थी कि पूरे गांव के लोग जो हैं वो साहू के घर पर पहुंचे और इस तरीके की घटना को अंजाम दे दिया। उनकी बहन का तो कहना है कि उनके भाई जो हैं वो बहुत सज्जन व्यक्ति थे, लेकिन सज्जनता ऐसी कि गांव वाले इतने दुखी हो गए कि पूरे की पूरी गाँव पहुँच गई। क्या वो वाकई में गाँव के लोग थे? पुलिस ने काफ़ी लोगों को कस्टडी में लिया है और उनके साथ कस्टडी में भी बर्बरता की खबर आई है, उसमें कितनी सच्चाई है? तमाम चीज़ें जो है वो अभी अनसुलझे सवाल हैं। लेकिन देखने वाली बात यही होगी कि ये जिला है प्रदेश के, सूबे के उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय शर्मा का, और इस तरीके की घटना और वो भी 7 दिन बाद भी अनसुलझी हुई, क्या मायने हैं इसके? क्या प्रशासन शासन इन चीज़ों को महज ट्रांसफर में कवर करना चाह रही है, या वाकई इस तरीके की कोई दूसरी घटना ना हो, आपसी रंजिश कभी किसी परिवारों में इतनी ना बढ़े, उसको सुलझाने की कोई कोशिश करेगी? ये सब देखने वाली बात होगी। छत्तीसगढ़ से लोकमत के लिए स्वाति कौशिक की रिपोर्ट।